4 और माइनस 6 एक्स, ये हो गया, और प्लस सी, सी को तो भूलना ही नहीं है, तो भाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये हमारे पास आते हैं कैपिटल एफ। तो अब कैपिटल एफ जो आया है ना, तो इसमें पूरा तो पूरा कैपिटल एफ जो है इसमें पूरा का पूरा क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, तो इसको कैपिटल एफ और एक्स लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे कैपिटल एफ ब्रैकेट में एक्स। ठीक, अच्छा यहाँ तक हो गया, लेकिन ये देने की वजह क्या थी कि वो चाहते हैं कि ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से गायब हो जाए, तो उन्होंने दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 लोग दीजिए, ये जो हमने एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल निकाला इक्वेशन नंबर 1 लोग दीजिए, और फिर हम ये क्या कहेंगे कि गिवन एफ जीरो इज इक्वल टू थीटा। एफ जीरो का मतलब क्या है, ये जो एफ एक्स आया इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर जीरो डाल दीजिए, तो जीरो की पावर 4 माइनस एक्स इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो ये जीरो ये भी जीरो, सी इज इक्वल टू 3, ओके, तो इसकी वैल्यू सी की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो आपका एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स प्लस 3 ए, ये फाइनली इसका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा इसके बाद देखिएगा, अब जो ये एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में भी वो यही बोल रहे हैं, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वगैरह कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाकर निकालिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है साइन 2x cos 3x, ये छोड़ दो क्या, ये शुरुआत के जो है माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बैठे इधर, और दूसरा साइन 3x अपॉन 3 करवाऊं, तो फोर्थ वाला करें साइन 3x अपॉन 3 माइनस कॉस। अब देखिएगा एक मिनट, मैं इसका आपको पहले थर्ड वाला पार्ट करा दूँ, फर्स्ट और सेकंड तो हो जाएगा ना, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हमने करा था, ये मैं छोड़ रहा हूँ, थर्ड पार्ट देख रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करिए, y is equal to integration e की पावर 2x dx, तो i is equal to e की पावर 2x को जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x ही आ जाएगा, और फिर जो e की पावर में जो 2x लिखा हुआ है उस 2x को फर्दर इंटीग्रेट हुआ है डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो उससे डिवाइड करेंगे बस, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, भाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो दे रखा है इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, कि हाँ तो जैसे कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उस फंक्शन में इंटीग्रल को नॉर्मल करना है, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसके साथ कॉन्स्टेंट है तो उसे डिवाइड कर देना, कॉन्स्टेंट का जो उसके साथ में दूसरा टर्म आ रहा है जो दूसरा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके जो आए उससे आप डिवाइड कर दीजिए बस, ये करें। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा अगला है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि भाई आप इसको पहले पूरे को एक्सपेंड कर लो, ठीक है वही तरीका ज़्यादा बेस्ट है, एक्सपेंड करिए इंटीग्रेट करिए, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स और डी एक्स, और तीनों को अलग अलग कर दीजिए, ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को एज टू रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/3
प्लस बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ये समझ गए? समझ गए नहीं समझे? देखिए ये ऐसे है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स, अब इसमें बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लो, बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स होता है तो ये हो गया बी स्क्वायर एक्स, समझ गए? वन का इंटीग्रल एक्स होता है ये पता है शुरुआत में पहला फॉर्मूला, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं कि पहले ये तो एक्सपेंड करा, ये तो समझ में आ गया प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स, ये तो हो गया। अच्छा इसके बाद देखिएगा मैं इसको अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है दैट विल रिमेन एज इट इज, और जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, ये होगा। फिर जो बी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऐसे होगा कि बी स्क्वायर ले लिया बाहर और ये बन गया वन डी एक्स, तो वन का इंटीग्रल एक्स होता है कैसे, क्योंकि वन क्या है एक्स की पावर जीरो इंटू डी एक्स, और जब एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, एक्स की पावर जीरो प्लस वन क्या हो गया एक्स की पावर वन यानी कि एक्स अपॉन वन मतलब एक्स, समझ गए? तो वन का इंटीग्रल ऑलवेज एक्स, ठीक है जी। अच्छा ये बी स्क्वायर एक्स हो गया प्लस टू ए बी कॉन्स्टेंट है तो टू ए बी एंसर जाएगा, और जो ये x है x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी, इधर टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक नहीं सकते दूसरे मेथड से ये इसी मेथड से मैंने 2ab को कांस्टेंट ले लिया, 2a और b दोनों तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, तो x का इंटीग्रल करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, टू से कैंसिल कर दिया, इसकी वो चेन रूल जो है ना वो चेन रूल यहाँ पर लगेगा ही नहीं, चेन रूल बस उस पर लगेगा जैसे cos 2x आ गया या sin 2x आ गया बस वहाँ पर लगेगा, और वो भी अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया है उसका भी, वो एक्चुअली वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटीट्यूशन से हो रहा है, ठीक है? तो वो सब्सटीट्यूशन जब करवाऊंगा तब समझ में आएगा, वो वाली चीज़ वो भी बताऊँगा, वो भी बताऊँगा, पहले ये बताओ ये समझ में आ गया। अच्छा भाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो करा है, वो क्या हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू ए बी एक्स, ये हो गया। अब जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, फिर बी स्क्वायर बी स्क्वायर का मैंने ये करके दिखाया बी स्क्वायर एक्स, ये तो आ गया समझ में, बी स्क्वायर मतलब फिर मैं बी स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो बी स्क्वायर तो एक कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया, मतलब क्या बचा वन डी एक्स, और वन का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स हो गया। फिर टू ए बी तो कॉन्स्टेंट था तो टू ए बी एक्स था, और एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, ए एक्स प्लस बी की होल पावर थ्री, हाँ तो फिर वो थ्री अपॉन थ्री कर दूं इनटू वन बाई ए हो जाएगा ना, वो मतलब उसमें थोड़ा सा डाउट है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो उसको रहने दो, उसको रहने दो, इसको इस तरीके से करिए जहाँ एक्सपेंड होता हो वहाँ एक्सपेंड करके करिए, ठीक है? अब जरा देखिएगा आप इसमें अगला वाला देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 वही वाला फॉर्मूला हो गया सर।
मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि उसमें बताया क्या करा जाएगा। अच्छा, इसको भी करा जा सकता है उस तरीके से, मैं उसको बता क्यों नहीं रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। मैं भी एक्चुअली आ नहीं रहा था उसको सुनिए। असल में क्या है ना, देखो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हमने मान लिया कि इसमें आंसर वेरी कर सकता है। होता क्या है कि इसमें ना ऐसा करा जाता है कि जैसे कभी भी कोई ऐसे बड़ी सी टर्म दे रखी है, हमें दिखाई दे रहा फंक्शन का फंक्शन है, तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन है यहाँ पर और उसका स्क्वायर कर रखा है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो एक तरीका ये बताया गया कि भाई इसकी पावर में हमने वन, इसको वन ऐड कर दिया तो टू प्लस वन और अपॉन टू प्लस वन कर दिया, और फिर एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करके उससे डिवाइड कर दिया। मैं वो बता क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि दो तीन जगह क्या होता है वो चीज़ जो है ना वो फेल हो जाती है, हर जगह लगती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे कैसे करा गया कि हमने इसमें इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशंस बहुत करते हैं। सब्सटीट्यूशन किस तरीके से देखिएगा, मैं उस पर आने नहीं वाला था पर अभी बता देता हूँ। देखिए, हम जब भी देखते हैं कि कोई फंक्शन की बड़ी पावर दे रखी है, तो फंक्शन दे रखा है तो मैं उस पूरे फंक्शन को टी मान लेता हूँ। हमने मान लिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ये सब्सटीट्यूशन वाला मेथड है। हम इंटीग्रेशन को तीन मेथड से करेंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक वाला चल रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, फिर हम सब्सटीट्यूशन वाले से करेंगे, सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा हमारा आता है बाई पार्ट्स। तो तीन मेथड्स हो गए। तो यहाँ पर अगर ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया, अब ध्यान से सुनना भाई, ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, इसको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में करवाऊँगा, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इंटीग्रेट में, जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा तो ए एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सिर्फ ए और बी का कुछ भी नहीं खत्म। तो ए इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ से डी एक्स को इधर ले जाओ, डी एक्स इधर आ गया और ए को इधर ले जाओ, तो ये हो गया डी टी बाई ए। मतलब मैं बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो हमारा जो इंटीग्रल है आई वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की जगह डालिए टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह डालिए डी टी अपॉन ए। तो ए तो कॉन्स्टेंट हो गया, ए को निकाल लिया बाहर, वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, पता ना जरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर होता तो एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री हो जाता, और टी स्क्वायर डी टी है तो टी की पावर थ्री अपॉन थ्री हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे होता है, वन अपॉन ए टी की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस, और फिर क्या करा कि टी क्या था, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का क्यूब प्लस सी। ये तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर लग रहा है ये वही मेथड है कि भाई मैंने ए एक्स प्लस बी को एक तरह से एक्स मानते हुए और उसको मैंने एक्स का स्क्वायर माना तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री हो गया, तो ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री अपॉन थ्री, अच्छा थ्री तो मैं लिखना ही अपॉन थ्री, और फिर उसको ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशियल से डिवाइड कर दिया, वन अपॉन ए कर दिया। तो ये किया जाता है इसमें ट्रिग्नो, ये आपका सब्सटीट्यूशन वाला मेथड है। तो ये कई जगह जो है, कई जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बताई नहीं थी। अभी हम अगली एक्सरसाइज में इसी को डिटेल में करेंगे, उसमें सारे के सारे सब्सटीट्यूशन वाले ही हैं कि बड़े बड़े फंक्शन को सब्सटीट्यूट करके छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर लो, बल्कि अभी ऐसे ही करो, अभी ऐसे ही करो, पहली एक्सरसाइज में वहाँ तक मत पहुँचो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव देख लो, मैं इसको चाहे तो नोट करूँ, नहीं तो मैं पूरी एक्सरसाइज में करवाऊंगा, अगली जो एक्सरसाइज है उसको पूरी में डिटेल में यही होगा। तो अगला देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर फाइव इधर कर रहा हूँ, क्वेश्चन फाइव में साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स, तो कॉन्स्टेंट ही होता है हमेशा, फोर तो एक नंबर है, वहाँ तो कौन से उसके साथ कोई वेरिएबल और टर्म मल्टीप्लाई नहीं है। तो अब मैं देखूँगा साइन टू एक्स, जब मैं साइन टू एक्स को इंटीग्रेट करूँगा, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री वाले में लगा दूँगा फंडा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस टू एक्स और अपॉन में टू,
क्योंकि 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया 2 अपॉन में 2 माइनस 4 विल रिमेन एज इट इज e की पावर 3x का इंटीग्रल क्या हो गया e की पावर 3x और 3x को फर्दर डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c ओके वैसे ही के साथ x को मल्टीप्लाई करो तो 1 भी तो एक कांस्टेंट है तो 1 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से तो अगर 2 आ जाएगा तो 2 के साथ x का 2x का 6th वाला छोड़ रहा हूं 7th कर रहा था y is equal to integration x square into वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आप समझ गए कि इसमें क्या करना है एक्सपैंड कर दो पहले ठीक है इसका भी वैसे मेथड है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसका भी मेथड है पर अभी एक्सपेंड एक्सपेंशन वाला ही देखिए बस एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो वाई इज इक्वल टू अभी सिर्फ एक्सपेंशन करा है अभी मैंने इंटीग्रेशन करा ही नहीं है अब करूँगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा एक्स और लास्ट में प्लस सी ठीक है फिर अगला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी मैं छोड़ रहा हूँ 9th भी छोड़ रहा हूँ 10th कराता हूँ एक्सरसाइज से करूँगा शुरू अभी कुछ नहीं लिखना उसमें मतलब यूजिंग दिस आइडेंटिटी है ना वो ऐसे कुछ कि फॉर्मूला वगैरह वो कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं लेकिन अगली एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताऊँगा अब यहाँ तो रहे क्वेश्चन नंबर 10 है रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स 8 और 9 छोड़ रहा हूँ सीधा 10th पर आ x माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी और डी एक्स इधर रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स और चलो छोड़ो अब सीधा सीधा करिए एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा और माइनस टू का समझ रहे हैं अगर कोई कांस्टेंट आ गया जैसे माइनस टू आ गया तो उसका सीधा सीधा माइनस टू एक्स ऑनलाइन वाले बता दें भाई यहाँ तक क्लियर है ठीक है इसके बाद देखिएगा 11th वाला मैं छोड़ रहा हूँ 11th वाला स्प्लिट कर लेना एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 11th वाला अपना ऐड करना फिर संडे क्लास हाँ संडे क्लास में क्या नहीं शर्म में आ गई है कहीं गई है बता दें हाँ मैसेज आ गया अच्छा अब 12th वाला जो है 12th वाला करवाता हूँ y is equal to x cube plus 3x plus 4 upon root x dx इसको भी स्प्लिट करेंगे y is equal to integration
ये हो गया एक्स की पावर थ्री अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स की पावर वन अपॉन टू ठीक है एक्स की पावर वन अपॉन टू मैं अलग अलग कर रहा हूँ एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स करूँगा तो ये क्या हो गया एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस थ्री एक्स अपॉन रूट एक्स मतलब थ्री एक्स अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस फोर अपॉन रूट एक्स मतलब फोर अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू और डी एक्स ये हो गया। अब आप देखिएगा कि इसको पावर को ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा तो एक्स की पावर थ्री माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री माइनस वन अपॉन टू प्लस ये थ्री एक्स प्लस एक्स की पावर ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक्स की पावर वन वन माइनस वन अपॉन टू प्लस फोर एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू और डी एक्स ये हो गया। अब देखिएगा थ्री में से वन अपॉइंट टू को अभी तक इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं कर रहा है सिर्फ इसको लॉगरिथम एक्सपेंड कर रहा है तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थ्री माइनस वन अपॉइंट टू करूंगा तो थ्री टू जा सिक्स सिक्स माइनस वन इज फाइव तो एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस वन माइनस वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू होता है थ्री इंटू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू प्लस फोर इंटू एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू और डी एक्स ठीक है। तो अब तीनों टर्म मेरे पास अलग अलग आ गए अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स की पावर एन ठीक तो एक्स की पावर फाइव बाई टू का क्या हो जाएगा एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस फोर एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन और प्लस सी ठीक फाइव बाई टू प्लस वन क्या हो जाएगा सेवन बाई टू एक्स की पावर सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू प्लस थ्री प्लस वन थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस फोर एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन क्या हो गया एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू। अब क्या होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है तो ये हो गया टू अपॉन सेवन एक्स की पावर सेवन बाई टू हाँ प्लस और ऐसे ही ये ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया टू इंटू थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू और अपॉन में थ्री डिनोमिनेटर तो ऐसे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया ऐसे ही ये टू ऊपर आ जाएगा तो टू इंटू फोर एक्स की पावर वन बाई टू को सीधा सीधा रूट एक्स ले प्लस सी तो टू बाई सेवन एक्स की पावर सेवन बाई टू थ्री से थ्री कट गया प्लस टू इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस एट रूट एक्स प्लस ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिएगा, मैं ये चाहूँगा जब भी ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में दे रखा हो और छोटा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, तो हम चाहेंगे इसके फैक्टर्स हो जाएं और फिर कुछ वैल्यू कट जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है बड़े आराम से फैक्टर हो रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस वन बचेगा और एक एक्स माइनस वन यहाँ पर है। इसको ऐसे लिखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वन प्लस ये x माइनस वन है तो इसमें से वन ले लो x माइनस वन और अपॉन x माइनस वन डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इधर भी x माइनस वन इधर भी x माइनस वन, तो x माइनस वन ले लिया कॉमन तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस वन और डिनोमिनेटर में x माइनस वन और ये हो गया डी एक्स, एक्स माइनस वन से x माइनस वन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा केवल, तो इंटीग्रल क्या हो गया एक्स स्क्वायर का क्या हो गया x की पावर 3/3 और वन का क्या हो गया x प्लस। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है हमारे पास 14 कर लोगे अपने 14 देखिएगा। मैं 14 में और 15 में बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि फंक्शन को एक्सपेंड कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है तो 14 में देखिएगा 1 - x रूट एक्स, तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 * √x कितना हो गया रूट एक्स और ये कितना हो गया x रूट एक्स, तो ये रूट एक्स क्या हो गया x की पावर 1/2 और ये क्या हो गया x की पावर 1 * 1/2, तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, सेम यही काम आपको 15 में करना है, फिर रूट एक्स को 3x² में मल्टीप्लाई करो, फिर 2x में करो, फिर 3 में करो। 14 और 15 ये दोनों भी छोड़ दो, ठीक है, अपने आप करना, हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। समझ लिया, मैंने सिर्फ फंक्शन एक्सपेंड करा है, इसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 में सेम इसी के जैसा है, 16 भी हो जाएगा, 16 भी छोड़ रहा हूँ, 17 भी छोड़ रहा हूँ, अपने आप ट्राई करना। 18 बताता हूँ, 2 sec x + 10 x dx। तो अब जरा देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x क्या हो गया sec स्क्वायर x और sec x इंटू tan x कितना हो गया sec x tan x। और अब आपको समझ में आ गया क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है बोलो tan x और sec x tan x का बस हो गया। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे,
क्वेश्चन 19 में दे रखा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x, इसको कैसे करें, सिंप्लीफाई करिए, sec स्क्वायर x को लिखो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, और ऐसे ही cos x स्क्वायर x को लिखो 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। जब हमारे पास न्यूमरेटर में भी ऐसा होता है एक रैशनल फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी रैशनल फंक्शन होता है, तो हम सबसे ऊपर वाले नंबर को सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो 1 इनटू sin स्क्वायर x क्या हो गया sin स्क्वायर x, और इन बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले आते हैं अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो i की वैल्यू क्या हो गई tan स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल है क्या मेरे पास, 1 माइनस x का कोई इंटीग्रल ही नहीं, ये क्या चल रहा है इसमें, मैच है क्या, हाँ देख रहा था, तो tan स्क्वायर x dx, तो i इज इक्वल टू, अब इसका तो इंटीग्रल हमारे पास है तो लेकिन मैं tan स्क्वायर x की 1 प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस, अच्छा सॉरी sec स्क्वायर x माइनस 1 sec square x minus 1, तो tan square x को ये लिखा जा सकता है क्योंकि आइडेंटिटी होती है 1 plus tan square x is equal to sec square x, तो tan square x हो गया sec square x minus 1, और sec square x का इंटीग्रल मुझे पता है क्या होता है, tan x और minus 1 का x tan x minus x plus c, समझ गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, देखिएगा 40 में है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अब क्या करिए इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर 2 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा तो cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल मुझे पता है tan x होता है, ठीक है, तो i is equal to integration 2 अपॉन cos स्क्वायर x minus 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, तो i is equal to ये तो हो जाएगा बेटा 2 sec square x, और ये क्या हो जाएगा minus 3, इसको ऐसे लिखो into 1 upon cos x into sin x upon cos x, ठीक है, ऐसा क्यों करा क्योंकि 1 upon cos x का क्या बन जाएगा sec x, और sin x upon cos x का क्या बन जाएगा tan x, तो sec x tan x और उसका इंटीग्रल मुझे पता है sec x होगा, ठीक है, दोबारा बता दूँ भाई 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, पर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया, बीच में माइनस का साइन ऐसे सही, ठीक है, अब अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये ऊपर आकर सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस ये 3 एज इट इज, इसको लिख लिया 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स क्या बन जाएगा 3 साइन एक्स, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया, समझ गए, y is equal to integration 2 sec square x minus 3 sec x tan x or dx, sec square x का integral होता है tan x, 2 tan x
और sec x tan x का पीरियड होता है sec x 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल्स, ये करना आपने, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक, ये मैं बता दूँ क्या। अच्छा एक चीज़ ऐसा होता है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल का हम इंटीग्रल लेते हैं तो फंक्शन एज इट इज रहता है। डिफरेंशियल का इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि हमने एक फंक्शन को तोड़ दिया, और इंटीग्रल मतलब फिर उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो फंक्शन एज इट इज रहता है, मेरे को ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाता है। दोबारा बताओ, अगर किसी भी डिफरेंशियल का मैं इंटीग्रल ले लेता हूँ तो फंक्शन एज इट इज मिल जाता है मेरे को। उल्टा करो, किसी इंटीग्रल का डिफरेंशियल ले लो तो भी फंक्शन एज इट इज मिल जाता है। इंटीग्रल का मतलब क्या है, पहले फंक्शन को जोड़ दिया बड़ा कर दिया, और डिफरेंशियल का मतलब तोड़ दिया छोटा कर दिया। तो एक ही चीज़ को पहले बड़ा कर दिया फिर छोटा कर दिया तो ओरिजिनल चीज़ मिल जाएगी ना, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू by dx of fx is equal to 4x cube minus 3 upon x की पावर 4, x की पावर 4, तो क्या करिए इसको ऐसे लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x cube minus 3 और ये x की पावर 4 ऊपर आकर क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस 4। पहले तो इतना कर लीजिए, इतना समझ गए। अब क्या करो, अब इधर पहले से डी बाई डी एक्स हो रखा है तो इसको क्या करो, आप लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, c is equal to 0,
16 plus 1 upon 8 plus c is equal to 0. 16 8 का कितना होता है 48 plus 1 upon 8 plus c is equal to 0. c की वैल्यू कितनी आ गई फिर? माइनस के 129 अपॉन 8. C is equal to minus 129 upon 8. Put this value of C. Put this value of C in equation 1. C ki is value ko equation number 1 mein dal dijiye. So fx is equal to x ki power 4 plus x ki power minus 3 ko likh sakte 1 upon x cube. माइनस 129 अपॉन 8 देखो उधर कौन सा वाला है ए ऑप्शन ठीक है ऑप्शन ए इसका ठीक है इसके बाद जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला है यहाँ से असली इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक तो क्लियर है ना इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट कर दूँगा ठीक है आज इतना ही कर दीजिए जो जो बीच बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है ठीक है वो करिए ईमानदारी से कर लेना पूरा चैप्टर लेंथी भी है और टेढ़ा भी है और कहीं से भी कुछ भी लिंक छूटा तो छूट ही जाएगा सर एल पी पी भी आ रहा है एल पी पी तो छोड़ना